मंगलमय मंगल करण वीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अर्हन्तादिमः जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु है तैसी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजूं के सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं के सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। हम सभी लोग अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए निरंतर अभ्यास कर रहे हैं और हमने ये बात बहुत अच्छे से अनुभव कर ली है कि यदि हम अपने मन वाणी और कर्म इन तीजों की चंचलता को स्थिर कर लेंगे तो हमारा जीवन अच्छा बनने में देर नहीं लगेगी। मन वचन काय की जो व्यग्रता है और मन वचन काय की जो मलिनता है वो हमारे जीवन को अच्छा नहीं बनने देती, इसलिए हमें मन वचन काय इन तीनों की व्यग्रता को दूर करने के लिए, इनकी मलिनता को हटाने के लिए और निरंतर अभ्यास शुरू करना चाहिए। हमें इस तरह का विचार करना चाहिए जिससे कि हमारे विचारों में शांति आए, विचारों की व्यग्रता मिट जाए। हमें इस तरह से कर्म करना चाहिए जिससे कि हमारा मन विकारी ना हो पाए, हमारी भावनाएं खोटी ना हो पाए। हमें वाणी भी ऐसी बोलना चाहिए जिससे कि हमारा कर्म और हमारा मन ये दोनों ही कलुषित ना हो। इस तरह यदि हम अपने मन वाणी और कर्म तीनों को नियंत्रित कर दें, क्योंकि इंद्रियां और मन ये द्वार की तरह हैं, जैसे कि द्वार से और प्रवेश होता है और हम बाहर भी निकल जाते हैं, भीतर भी आते हैं और उसी द्वार से हम बाहर भी निकलते हैं। जैसे सीढ़ियों से हम ऊपर भी चढ़ते हैं और उन्हीं सीढ़ियों से नीचे भी उतर जाते हैं, ठीक ऐसे ही ये मन और वाणी है। मन और वाणी द्वार या सीढ़ी के समान है। हम इनके माध्यम से ऊंचाई भी छू सकते हैं और हम चाहें तो इनके माध्यम से अपना पतन भी कर सकते हैं। हम चाहें तो इन द्वारों से अपने भीतर गंदगी भी संचित कर सकते हैं। हम चाहें तो इन्हीं मन और वाणी के या कि इंद्रिय और मन के द्वारा हम अपने भीतर अच्छाइयों को भी संचित कर सकते हैं। ये बड़ी कीमती चीज अपन को मिली है। जिनके पांचों इंद्रिय और मन नहीं होता उनके कल्याण का कोई उपाय ही नहीं है, ये ध्यान रखना। इंद्रियां और मन बाधक भी बनते हैं और साधक भी बन जाते हैं। हमें ये बात बहुत गौर से समझनी चाहिए। हम लोग सोचते हैं कि शायद अपने इंद्रियों का दमन कर लेंगे या अपने मन को सप्रेस कर देंगे तो शायद हम अपने जीवन को अच्छा बना पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। मन और इंद्रियां दुर्बल भी नहीं होनी चाहिए और मन और इंद्रियां निस्तेज भी नहीं होनी चाहिए। जैसे घोड़ा मरियल हो तो वो घोड़ा कोई काम का नहीं, ऐसे ही ये इंद्रियां और मन घोड़े की तरह हैं। घोड़े को तो हमेशा सतेज और सबल होना चाहिए, इसी तरह इंद्रियों को भी बहुत सचेत और सबल होना चाहिए। बात थोड़ी उल्टी सी मालूम पड़ेगी कि हम तो अभी तक सोचते थे कि इन इंद्रियों को तो जो है बिल्कुल पोषण नहीं करना चाहिए और आप कह रहे हैं कि इनको सबल होना चाहिए और सतेज होना चाहिए, ये तो उल्टी सी बात समझ में आ रही है। ऐसा नहीं है।
असल में इंद्रियां अगर सबल और सतेज हों और उनकी लगाम हमारे हाथ में ना हो तब तो वे अहितकारी हैं ही, लेकिन अगर वे सबल और सचेत हैं और उनकी लगाम उनका नियंत्रण हमारे हाथ में है, चेतना के और विवेक के हाथ में है, तब फिर वे ही हमें अपने गंतव्य तक ले जाती हैं। जैसे कि घोड़े की लगाम हमारे हाथ में हो और घोड़ा बढ़िया तेज दौड़ने वाला हो तो हम अपने गंतव्य तक आसानी से पहुंच जाए। ऐसे ही इंद्रिय और मन के बारे में, इसलिए आज हमें पिछले दिनों हमने जो बात समझी थी कि इन इंद्रिय और मन के द्वारा निरंतर हमारे अंदर कर्मों का और संस्कारों का आगमन होता रहता है, खोटे और भले दोनों तरह के संस्कार या दोनों तरह के कर्म हमारे पास इकट्ठे होते रहते हैं। हमें ऐसा विवेक जागृत कर लेना चाहिए जिससे कि खोटे कर्म कम से कम संचित हों और भले कर्म अच्छे मात्रा में संचित हों। इसलिए लाभ सिर्फ इतना है भले कर्मों के संचित होने से, ताकि हमें फिर और आगे बढ़ने के लिए मार्ग सूझता है, और अगर खोटे कर्म हो तो उन खोटे कर्मों के द्वारा हमें फिर सच्चा मार्ग ही दिखाई नहीं पड़ता। इसलिए पल्ले में इतना पुण्य तो होना चाहिए जिससे कि हम अपने आत्मा के कल्याण का विचार कर सकें, वीतरागता का विचार कर सकने के लिए भी हमें थोड़ा सा पुण्य अपने पास संचित करके रखना चाहिए। इसलिए आचार्य भगवंतों ने जो कर्मों का आगमन है उसमें से पुण्य कर्मों के आगमन को तो पुण्य का संचय कहा है और पाप कर्मों के आगमन को पाप का बंध कहा है। बंध और संचय हमेशा, या कि अर्जन करना, पुण्य का संचय या पुण्य का अर्जन करना, अर्जन और संचय शब्द रखा है लेकिन बंध शब्द रखा है पाप के साथ में, कि पाप का तो बंध होता है और पुण्य का अर्जन होता है। इसमें भी एक चीज ध्यान में रखने की है कि हम अपनी दृष्टि निर्मल कर लें, ये पहले आवश्यक है, जो कि हम पिछले दिनों इस बात को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। वरना हम जो भी शुभ क्रियाएं करेंगे वे भी हमें लाभप्रद नहीं होंगी अगर हमारी दृष्टि निर्मल नहीं है तो। ये उस व्यक्ति की बात है जिसकी दृष्टि निर्मल है और जो निरंतर अपने अंदर पुण्य का संचय कर रहा है, वो ही परंपरा से निर्वाण प्राप्त कर सकता है, वो ही पुण्य परंपरा से निर्वाण का कारण है। वैसे तो आश्रय संसार बढ़ाने वाला ही है, इसलिए मुझे आश्रय तत्व हे है ऐसी भावना निरंतर भानी चाहिए, और मुझे निरंतर अपने पास आने वाले संचित होने वाले कर्मों पर रोक लगानी चाहिए। रोक कैसे लगाएंगे, तो या तो हम सारी प्रवृत्ति समाप्त कर दें, बहुत बार ऐसा हो चुका इसके बावजूद भी, और हम लोग सचेत नहीं होते हैं, बहुत दुखद स्थिति बनती है। ये बहुत बड़ी मेट्रो सिटी है, हम लोग इतने अधिक सुविधा भोगी हो गए हैं। हम तो पिछले साल चतुर्मास जब शिवपुरी में कर रहे थे तब वहां पर सबसे पहले सारे कनेक्शन और सारे बोर्ड बंद कर दिए गए थे, उनको पैक ही कर दिया गया था कि कोई भी मंदिर के प्रांगण में या मंदिर के हॉल में पंखे का उपयोग नहीं करेगा। उस मंदिर में नहीं आना, आपको मत आए, क्योंकि वहां पंखा नहीं चलता, गर्मी बहुत लगती है, ऐसा सोच के नहीं आना है तो नहीं आए, लेकिन जो भी आएंगे उनको वो सुविधा नहीं मिलेगी, ऐसा मन बना करके ही आए। एक संगी पंचेंद्री हमारे देखते देखते, अब काहे का प्रवचन और काहे की सारी बातें, क्या धरा हुआ है इसमें, बताइए आप, जिसको कि बहुत मुश्किल से उसने वो पर्याय प्राप्त की होगी बहुत पुरुषार्थ के द्वारा। संगी पंचेंद्री होना तो आसान चीज नहीं है, पांचों इंद्रिय और मन जिनके नियंत्रण की हम यहाँ बात कर रहे हैं, और हमारे ऊपर इतना भी नियंत्रण नहीं है कि हम अपनी थोड़ी सी सुख सुविधाएं मंदिर के प्रांगण में छोड़ सकें। मन में विचार आता है लेकिन अच्छा तो नहीं है मेरे ख्याल से, तो फिर भी नौ बार नमोकार करें और आगे से सावधानी रखें कि हम अपनी सुख सुविधा छोड़ करके यहाँ पर बैठेंगे तभी शायद हम धर्म ध्यान कर पाएंगे, अन्यथा तो ओम शांति।
की तो अपन चर्चा कर रहे थे कि प्रवृत्ति ऐसी करें जिससे कि अपना और दूसरे का अकल्याण ना हो। संवर तभी संभव है जीवन में, और संवर और निर्जरा ये दो ही मोक्ष मार्ग में अनिवार्य तत्व हैं। इन्हीं से हमारा मोक्ष मार्ग बनता है, इन्हीं से हमारा विकास होता है। लेकिन हमारी प्रवृत्ति हमारी अपनी आदत के मुताबिक बन जाती है। हमें आदत हो गई है अपने शरीर को आराम तलवी देने की, और जो व्यक्ति अपने शरीर को जितना आराम तलब बना लेता है, वो व्यक्ति फिर अपने वाणी मन और कर्म इनको कभी भी नियंत्रित नहीं कर सकता। जैसे कि शराब पीने वाले को एक बार आदत लग जाती है, उसे तो हम खोटी आदत कहते हैं, लेकिन अपनी सुख सुविधाओं की जो अपन को आदत पड़ गई है, उससे जीवों का घात भी हो तब भी हम ध्यान नहीं देते हैं। जैसे कि वो शराब पीने वाला और इसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं है, ये ध्यान रखना, वो भी उतना ही अपना और दूसरे का अहित कर रहा है जितना हम थोड़ी देर के लिए इन थोड़ी छोटी छोटी चीजों को सहन नहीं कर पाने की वजह से अपना और दूसरे का भी अहित कर लेते हैं। अब मेरे ख्याल से इस कंपाउंड के अंदर मैं तभी आऊंगा जब यहाँ पर पंखे नहीं चलते होंगे, ये मैंने विचार कर लिया है, अन्यथा मैं इस कंपाउंड के भीतर भगवान के दर्शन करने भी शायद नहीं आ पाऊंगा। मेरा अपना तो निर्णय ये है, आपके निर्णय के बारे में मैं किसी को कुछ भी नहीं बोलता, कभी भी न कहूंगा। आपको जो करना हो वैसा आप करें। मेरा अपना निर्णय तो ये है कि अगर पंखे यहाँ चलते होंगे तो फिर मैं इस कंपाउंड के भीतर ही नहीं आऊंगा, मैं अन्यत्र कहीं दर्शन कर लूंगा और अपना धर्म ध्यान कर लूंगा। मुझे इन छोटी छोटी चीजों से बहुत मन जो है और तकलीफ पाता है कि हम किस तरह अपने जीवन को एक तरफ तो अच्छा बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, और एक तरफ हम अपने इन छोटे छोटे से सुख सुविधाओं को नहीं छोड़ पा रहे हैं। क्या सचमुच हम इतने गए बीते हो गए हैं? हमारा जीवन क्या हमने इतना बिगाड़ लिया है कि कोई हमें निरंतर अपने जीवन को सुधारने के लिए कहता है, फिर भी हमारी भीतर के संस्कार हमारे जीवन को सुधरने नहीं देते हैं? शायद ऐसा ही हुआ, हमने अपनी अज्ञानता से अपने जीवन को इतना अधिक संस्कारित कर लिया है इन बुरी बातों के लिए कि फिर हमारे ऊपर कोई अच्छी बात प्रभाव नहीं डाल पाती है। फिर भी हम प्रयत्न तो करते ही रहेंगे, निरंतर प्रयत्न करेंगे। इस एक घटना से शायद हमारे जीवन में कोई समझ हमारे जीवन में आ सके, तो शायद ये घटना भी हमारे जीवन को परिवर्तित कर सकेगी। ऐसी कितनी घटनाएं हमारे जीवन में हमने देखी होंगी, हमने सुनी होंगी, पता नहीं कौन सी घटना हमारे जीवन को परिवर्तित करेगी, पर ये तो हमारे जीवन को आज बहुत चोट पहुंचा गई घटना। आगे भी जो है मैंने जो निर्णय लिया उस पर मैं हमेशा किसी भी मंदिर में जाऊंगा अब यही चीज ध्यान में रखूंगा, प्रवचन तो वहीं करूंगा जहां कि ये पंखे नहीं होंगे, जहां जीवों का घात होता होगा वहां प्रवचन। भगवान महावीर स्वामी वेस्ट बंगाल में नहीं गए, वर्धमान स्टेशन तक ही उन्होंने विहार किया। जब आचार्य महाराज वहां पहुंचे और पूछा कि इस स्टेशन का नाम वर्धमान क्यों है, तो उन्होंने कहा कि आपके तीर्थंकर वर्धमान यहीं तक आए, उसके बाद नहीं गए। मछली भात खाने वालों को क्या उपदेश देना, क्यों जाएं वहां पर, वो हमारे उपदेश को क्या सुनेंगे? जिनके जीवन में जिनके आचरण में वो चीज है ही नहीं, उनके लिए धर्मोपदेश का कोई प्रावधान ही नहीं रखा आचार्य भगवंतों ने। धर्मोपदेश तो उन्हीं के लिए है जिनकी कषायें मंद हैं, जिन्होंने अपने इंद्रिय और मन को जीतने के लिए संकल्प ले लिया है। भैया यही प्रक्रिया तो आज अपन को समझनी थी कि कैसे हम जो अज्ञानतावश अपने संस्कार खोटे हमने बांध लिए हैं, उन संस्कारों को कैसे कमजोर बनाएं और कैसे हम उन संस्कारों को नष्ट करें जिससे कि हमारा जीवन और अच्छा बन सके। खोटे संस्कारों की वजह से हमारा जीवन नष्ट हुआ है, अपनी अज्ञानता से हमने खोटे कर्म बांधे हैं, और उन खोटे कर्मों के परिणाम स्वरूप हमारा जीवन और इतना कहना चाहिए पतन की तरफ चला गया है। हमें अपनी अज्ञानता दूर करके अपने ज्ञान और वैराग्य की शक्ति से, अज्ञानता और असंयम ये दो ही चीजें हैं जीवन में जो कि हमारे जीवन को कलुषता में डालती हैं, मलिनता की तरफ ले जाती हैं,
तब हम अपने अज्ञान को हटाएं ज्ञान के द्वारा, सम्यक ज्ञान के द्वारा, और अपने असंयम को दूर करें संयम और वैराग्य के द्वारा। यही प्रक्रिया कर्मों की निर्जरा के लिए अनिवार्य है। कल अपन ने गाथा नहीं पढ़ पाई थी, गाथा एक ही है, संवर की भी और निर्जरा की भी, दोनों के लिए इस ग्रंथ में एक ही गाथा दी है। उस एक ही गाथा से दोनों भावनाओं के बारे में अपन देखते हैं क्या कह रहे हैं आचार्य भगवान। मन वयन काय गुत्तिन दियस समिदीसु अपमत्तस आसवदार निरोहो नवकम्मरया सवो नहवे वेगुक्तियो समिति पालक अक्षजेता ओ अप्रमच्च परमात्म तत्वबेता हैं कर्म के विविध आश्रवरोध पाते हैं भावना परम संवर की निभाते। जी, जीवन में अपने कर्मों के रोकने का उपाय कल अपन ने समझा था कि हम मन वचन काय की प्रवृत्ति को नियंत्रित करें। यदि मन वचन काय की प्रवृत्ति को पूर्णतः नियंत्रित नहीं कर पाते हैं तब हम सावधानी रखें, ऐसी प्रवृत्ति करें बोलें तो जिससे दूसरे का अहित ना हो, चलें तो प्राणियों का घात ना हो, दया के भाव रखें हम फिर चलें, जो भी हम आहार भोजन इत्यादि करें उसमें भी हमारे द्वारा दूसरे का घात ना हो, जब तब ज्ञान ध्यान और सेवा के लिए हम भोजन करें। करना तो सभी को है जीवन के धारण करने के लिए, लेकिन इस जीवन से करेंगे क्या, इस भोजन को करके मैं जब तब ज्ञान ध्यान और सेवा करूंगा, ऐसी भावना से करें, लें दें उठाएं धरें तो जीवों का घात ना हो, इस तरह का विचार बना रहे, अपनी विकृतियों का विसर्जन भी करें तो दूसरे को क्षति ना पहुंचे, ऐसी सावधानी अपनी प्रवृत्ति में रखें, ऐसी बात अपन ने कल विचार की थी। उत्तम क्षमा आदि जो 10 धर्म हैं वे हमारे जीवन में धीरे धीरे आवें, हम अपने जीवन को सहिष्णु बनाएं, हम निरंतर तत्व का विचार करते रहें और अपने आचरण को अच्छा बनाएं। ये सारी चीजें हमारे पुराने संस्कारों को नष्ट भी करती हैं और नए खोटे संस्कारों को रोकती भी हैं। इसके साथ साथ यदि तपसा निर्जराचा, अगर तपस्या को और जोड़ लिया जाए तो फिर तेजी के साथ जो पुराने बंधे हुए संस्कार हैं, खोटे संस्कार, वे धीरे धीरे हटना शुरू हो जाते हैं। आज इतनी सी ही बात अपन के समझने की थी कि हम थोड़ी सी जो अपन ने संयम धारण किया है उस संयम को धीरे धीरे करके और अपने जीवन में जो आचार्यों ने संयम कहा है अपने जीवन में लाने का प्रयास करें। पूरा जीवन असंयम में बीत जाता है अगर अपन गौर से देखें तो, लेकिन अगर हम थोड़ा सा विवेक जागृत कर लेवें, अपने जीवन को अनुशासित कर लेवें तो अपने जीवन में संयम के माध्यम से हम आने वाले कर्मों को रोक सकते हैं। पहला उपाय तो संयम ही है। अपन पढ़ते हैं पंच महाव्रत संचरण समिति पंच परकार प्रबल पंच इंद्री विजय धार निर्जरा सार। अगर हमें अपने बंधे हुए खोटे कर्मों को हटाना है, दो तरह से कर्म हटते हैं, वे अपना समय पा करके और अवधि पूरी हो जाने पर अपना फल दे करके भी हमारे आत्मा से निर्जरित हो जाते हैं, वो हट जाते हैं, लेकिन ऐसे तो हमारा काम नहीं चलेगा। कर्म अपना फल दें और फल दे करके हमारे मन को कलुषित करके निकल भी जाएं तब भी नए कर्म बंध गए हमारे लिए, तो ऐसे तो काम नहीं बनेगा। तब फिर कहते हैं कि ऐसी निर्जरा तो चारों गतियों की जीवों के लिए निरंतर होती है, कि जैसे कि पेड़ में फल लगे और पक गए और नीचे गिर गए, लेकिन फिर और फल लगेंगे और पकेंगे और गिरते रहेंगे, ये प्रक्रिया चलती ही रहेगी। इसलिए एक ऐसी निर्जरा जो तपस्या के द्वारा होती है, अविपाक निर्जरा जिसको कहते हैं, ये कहलाती है सविपाक। अपना फल देकर के कर्म झड़ जाते हैं वो सविपाक निर्जरा है। जिनको हम समय से पहले अपने पुरुषार्थ के द्वारा, अपनी तपस्या के द्वारा और नष्ट कर देते हैं, बिना फल लिए हुए नष्ट कर देते हैं, वो कहलाती है अविपाक निर्जरा। यही अविपाक निर्जरा अपने लिए उपादेय है। आज
उसी को समझना चाहिए। निर्जरा के अवसर मिलने पर, ये निर्जरा का अवसर ही तो है, देखो अपन यहाँ पर शांति से बैठ करके और थोड़ा सहन कर लेवे, पता नहीं कौन से खोटे कर्म आ करके और यहाँ अपना फल बिना दिए हुए, बहुत गर्मी लग रही है, ठीक है कोई बात नहीं, पसीना पसीना हो रहे हैं, जो कर्म बांधे हुए हैं वे जो असाता कर्म हैं, वे असाता की वजह से ये मुश्किल आ रही, वो असाता अपना फल बिना दिए, क्योंकि हम तो धर्म ध्यान में लगे, हमें तो ध्यान ही नहीं गया कि पसीना आ रहा है कि गर्मी लग रही है, हमारा तो मन लगा हुआ है, तो वे कर्म अपना फल बिना दिए निर्जरित हो जाते हैं। निर्जरा और है क्या चीज, जब हम कर्मों को शांति पूर्वक सहन कर लेते हैं तब कर्मों की निर्जरा हो जाती है। हम आहार जी में ऐसे ही वचन का आचार्य श्री के सानिध्य में हो रही थी, उसमें बैठे थे, अस्वस्थता के कारण आचार्य महाराज के कहने से और पीछे एक टेबल लगा दी थी जिससे बीच बीच में टिक जाया करते थे, बीच में निर्जरा की बात चली तो हमने आचार्य श्री से हाथ जोड़ के कहा कि महाराज निर्जरा समझ में तो आती नहीं है, कैसे निर्जरा हो जाती है, अपन को दिखती कहाँ है, कर्मबंध भी नहीं दिखते, ऐसा कुछ बताओ जिससे कि मालूम पड़ जाए कि हाँ निर्जरा हो गई अपने कर्मों की, कैसे मालूम पड़े। तो आचार्य श्री एकदम तुरंत बोले ठीक से बैठो, पहले क्या टिक करके बैठे हो। हमने कहा कि बताओ, मनी मन में सोचा कि आचार्य महाराज ने तो कहा था कि असुविधा होगी, दो ढाई घंटे वचन का में बैठना पड़ेगा, थोड़ा टिक जाया करे इसलिए रखवा ली थी, अब ठीक है कोई बात नहीं, गुरुजी की जैसी आज्ञा, इसमें बुरा मानने की तो बात ही नहीं है। तो अपन ऐसे सीख बैठ गए, पांच मिनट के बाद हंसने लगे, बोले क्यों घुटनों में दर्द होने लगा, मैंने कहा होने लगा, बोले देखो कर्मों की निर्जरा हो रही कि नहीं हो रही, अभी तक तो नहीं हो रहा था, अब असाता जो बाद में आने वाली थी वो तुम्हारे पुरुषार्थ से पहले आ गई और आकर के घुटनों में दर्द हो गया, असाता के उदय में हुआ है, पर तुम चुपचाप वचन का में मन लगाए हो इसलिए वो अपने आप अपना फल बिना दिए और नष्ट होती चली जा रही, पता नहीं कब ये असाता का उदय आता और तकलीफ पहुंचाता, तुम्हारे अपने परिणामों से ये तुरंत हट गया। ऐसे निर्जरा के हम चाहें तो उपाय आसानी से कर सकते हैं, पांच महाव्रत कोई धारण करे या कि अनुव्रत धारण करे तब भी निर्जरा होती है। आचार्य भगवंतों के ने क्या लिखा, सम्यक दृष्टि श्रावक वीरतानंत वियोजक दर्शन मोह क्षपकोप शमकोप शांत मोह क्षपक्षीण मोह जिना क्रमशो असंख्य गुण निर्जरा। ये 11 स्थान है निर्जरा के, एक सम्यक दृष्टि के मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से ज्यादा निर्जरा होती, अगर अपनी दृष्टि निर्मल हो जाए तो निर्जरा होना शुरू हो जाएगी, दृष्टि निर्मल होने के बाद फिर अगर अपन अनुव्रत धारण कर लेवे श्रावक बन जावे तो और निर्जरा हो जाएगी, और मुनि व्रत धारण कर लेवे तो और निर्जरा होती, और अगर अनंतानुबंधी कर्म की विषय योजना करने लगे, उपशामना उपक्षपना करने लगे, आज वो तो संभव है नहीं, पर इतना तो संभव है कि हम दृष्टि निर्मल कर सकते हैं, श्रावक के व्रत धारण कर सकते हैं और मुनि बनने की भावना भा सकते हैं, इससे भी कर्मों की निर्जरा का रेट बढ़ जाता है। लिखा ये है कि कोई एक श्रावक भोजन, कोई एक सामान्य व्यक्ति ध्यान करते समय जितनी कर्मों की निर्जरा करता है, एक श्रावक भोजन करते समय पंचम गुण स्थान बढ़ती अनुव्रति उससे कई गुनी निर्जरा कर लेता। एक सम्यक दृष्टि है जिसके कोई व्रत नहीं है, वो जब आत्मा का ध्यान करे तब जितनी निर्जरा होगी उतनी निर्जरा एक त्यागी व्रती ग्रह व्यक्ति के लिए, श्रावक के लिए भोजन करते समय हो जाएगी, और एक जो है ध्यान में लीन है कोई श्रावक, उसको जितनी कर्मों की निर्जरा होगी उससे असंख्यात गुनी मुनि महाराज को भोजन करते समय हो जाएगी, ऐसा लिखा हुआ है, क्योंकि उसके अपने कषायों की कमी हो गई है। अच्छा देखना या कि बुरा देखना दोनों हमारे हाथ में, आंख के द्वारा जिन वाणी का स्वाध्याय भी किया जा सकता और आंख के द्वारा दूसरे के दोष भी देखे जाते हैं, जो करना हो वो हमारे ऊपर निर्भर है, कान के द्वारा जिन वाणी के दो शब्द भी सुने जा सकते हैं और इन्हीं कानों के द्वारा दूसरे की निंदा भी सुनी जा सकती है। भैया ये पांचों इंद्रियां हमें मिली हैं, इनका हम अगर सदुपयोग करना चाहें तो वही सदुपयोग निर्जरा में कारण बनेगा, और अगर हम दुरुपयोग करें तो कर्मों का बंध तो 24 घंटे, एक भी क्षण ऐसा नहीं है संसारी जीव को जबकि कर्मों का आश्रय ना होता हो, बस इतना ही विवेक है कि मुझे उन कर्मों के आश्रय को
कैसे जो है शुभ में कन्वर्ट कर देना है और अशुभ से बचा लेना है, और जो अंदर पड़े कर्म हैं उनकी भी निरंतर निर्जरा करते रहना है। इतना काम करने के लिए ये सारी चीजें हैं कि हम अपने जीवन को अनुशासित करें, अपने इंद्रिय और मन का सदुपयोग करें। और तपसा निर्जरा चा, तपस्या के द्वारा निर्जरा होती है। तपस्या कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, अपन चाहें तो अपनी थोड़ी सी आत्म जागृति कर लेवें तो अपने अंदर तपस्या आ सकती है। इच्छाओं का नियंत्रण कर लेना ही तपस्या है। कम से कम खोटी इच्छाओं की पूर्ति नहीं करेंगे, इतना तो कर ही सकते हैं। जो अच्छी इच्छाएं हैं उन्हीं की पूर्ति करेंगे, जिनसे अपना कल्याण होता है उन इच्छाओं की पूर्ति तो करेंगे, और जिनसे अपना और दूसरे का अकल्याण होता है उन इच्छाओं की पूर्ति नहीं करेंगे। इसमें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम दूसरे के लिए भी कुछ अपने सुखों को छोड़ देंगे, अगर ऐसा भाव अपने भीतर आ जाए कि दूसरे के लिए अपने सुख को छोड़ना है, तब भी बहुत कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं। हम थोड़ा सा दुख सहन कर लेंगे दूसरे के सुख के लिए, ये क्या चीज है? ये भी तपस्या है, थोड़ी पोनी नहीं, सैक्रिफाइस है। दूसरे के अपने परिवार जनों के सुख के लिए अपना सुख छोड़ दिया, इसमें भी कर्मों की निर्जरा होती, अल्प होती है, लेकिन धीरे धीरे अगर ऐसा ही करेंगे तब जाओ आपको मंदिर जाना है, हम तो मंदिर जा नहीं पाते हैं, आप मंदिर जाओ वहां धर्म ध्यान करना, बाकी तुम निश्चिंत रहना, घंटे भर बाद लौटना अच्छे से प्रवचन सुन के, बाकी काम हम कर लेंगे, फिर एक आध दिन हम चले जाएंगे तब तुम संभाल लेना। ये क्या चीज है? ये सैक्रिफाइस है, और इसमें कर्मों की निर्जरा कर रहा है वो व्यक्ति जो यहाँ आकर के बैठा है निश्चिंत होकर, एक घंटे की घर का काम किसी और ने संभाल लिया, वो तो निर्जरा कर ही रहा है। जो वहां घर का काम कर रहा है और आपको यहाँ मंदिर में भेज रहा है, वो अपने परिणामों से वहां बैठा बैठा कर्मों की निर्जरा कर रहा है। भैया उसने त्याग किया है आपके लिए, ये बहुत छोटा सा उदाहरण मैं आपसे कह रहा हूँ। ये तपस्या है, छोटी मोटी चीज नहीं है। तपस्या को अपन सोचते हैं कि बहुत बड़ी चीज है, जब हम चार प्रकार के आहार का त्याग करेंगे या अल्प आहार ग्रहण करेंगे, रस परित्याग करेंगे, वृत्ति पर संख्यान लेंगे, अकेले एकांत में और ध्यान तप इत्यादि करेंगे, कायोत्सर करेंगे, विनय रखेंगे, प्रायश्चित करेंगे, ये तो 12 प्रकार के तप है ही। लेकिन ये जो एक दूसरे के लिए जब हम सैक्रिफाइस करते हैं, त्याग करते हैं, अपनी सुख सुविधाएं छोड़ देते हैं, भौतिक सुखों को छोड़ देते हैं, काय के लिए नहीं, दूसरे के लिए मैंने अपने भौतिक सुख छोड़ दिए, उसी को थोड़ा चेंज कर लें, अपने आत्म कल्याण के लिए मैंने भौतिक सुख छोड़ दिए, अभी तो मैं अपने स्वास्थ्य की वजह से बहुत सारी चीजें छोड़ देता हूं, लेकिन अब अपने आत्म कल्याण के कारण मैं इन चीजों को नहीं खाऊंगा, ऐसा विचार कर लेवे तो तपस्या होना शुरू हो जाती। और सबसे एक और आसान उपाय है, मैं अभी सुबह सुबह किताब पलट रहा था, भूल गया था मैं अचानक, लेकिन याद आ गया मुझे, लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति पंच नमस्कार मंत्र का सोते खाते पीते आते जाते बोलते चालते हर अवस्था में स्मरण करता है, वो असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा करता है। और सूत्र का स्वाध्याय करना सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, इस सूत्र का ध्यान आ गया दिन भर में 10 दफे, मानिएगा कि असंख्यात गुनी निर्जरा का एक उपाय अपने भीतर आ गया। सच्चा मार्ग तो यही है, सम्यक दर्शन ज्ञान, और कुछ नहीं आता, चलो इतना ही आता है। तो जो आचार्यों ने सूत्र कहे हैं उन सूत्रों का निरंतर चिंतन करते रहना, और पंच नहीं आता है सूत्र तो पंच नमस्कार मंत्र बार बार याद आ जावे, थोड़ा काम कहीं से फुर्सत मिली, चलो नमोकार मंत्र का ध्यान आ गया, नमो अनंतानम मन ही मन में, उससे असंख्यात गुनी कर्मों की निर्जरा होगी। भैया पुराना हिसाब है, अपन को ही चुकाना पड़ेगा, अज्ञानतावश जो है अपन ने बहुत सारे कर्मों को संचित कर लिया है, उनको ज्ञान पूर्वक और वैराग पूर्वक हम धीरे धीरे करके हटा दें। लेन देन चुकता करने के लिए तो समता परिणाम या कि शुभ प्रवृत्ति, दो ही चीजें हैं, या तो समता रहे और या कि परिणाम निर्मल रहें, शुभ रहें। कोशिश अपनी पूरी यही रहे कि परिणाम खोटे ना हो पाएं, तभी हम पुराने कर्मों का हिसाब चुकता कर पाएंगे। वर्तमान में खोटे कर्म करने वाला अपने पुराने संचित कर्मों को भी नष्ट नहीं कर पाता और आगे के लिए भी कर्म बांधता रहता है, और जो वर्तमान में समता रखता है या शुभ परिणाम रखता है वो अपने खोटे परिणाम जो अज्ञानतावश बांधे उनको भी नष्ट करता है, आगे के लिए भी खोटे परिणाम नहीं बनते हैं, तो जीवन अच्छा बने बिना नहीं रहेगा, बन जाता है। एक साधु महाराज थे, आचार्य श्री के उदाहरण तो मैंने आपको शायद सुनाए हैं, मुझे याद तो नहीं आ रहा, वैसे बहुत सारे उदाहरण हैं आचार्य महाराज के जीवन में। निर्जरा के लिए वो जितने सजग हैं वैसा हमने किसी को भी आज तक नहीं देखा,
जितना कर्मों की निर्जरा के लिए, मुझे एक उदाहरण याद आता है, मैंने सुनाया भी था शायद, फिर से सुनाए देते हैं। अंबाड़ा में हम लोग अचानक जो है रास्ता, जब मुक्तागिरी जा रहे थे तो पूरा संघ था वहां, वहां रास्ता समझ में नहीं आया तो आगे बढ़ गए, जहां जाना था वहां ना जाकर के और बहुत आगे निकल गए और अंबाड़ा पहुंच गए 9 किलोमीटर दूसरे रास्ते पर चल करके। तो वहां उस ग्राम में पहुंचने को भी 1 किलोमीटर रह गया और अंधेरा हो गया, क्या करें। एक खेत में थोड़ा सा एक ऐसा बना हुआ था, वो डंठल से बनाया था ज्वार के, हाँ करवी जो भी हो, उसके ऊपर वहां पर चारों तरफ से घेर दिया था, नीचे से प्लेटफार्म बैठने का था, उस पे जाके बैठ गए। मालूम नहीं था कि वो इतनी चुभेगी, अब अंधेरा होने होने को था इसलिए चल भी नहीं सकते थे, उसी पे बैठ गए। तो और फिर क्या करें, अब लेटें कैसे, पर 10 बजे और श्रावक वगैरह आ गया, वो क्या करते, कितनी व्यवस्था करते, जितनी उनसे बनी उन्होंने करी, चटाइयां भी कहीं अन्यत्र पहुंच गई थी कि बिछा लेते, वो भी नहीं थी, ओढ़ने का तो सवाल ही नहीं था। धीरे से आचार्य महाराज लेटे तो हम सब लोग भी लेट गए, लोगों ने सोचा कि ये डंठल पड़े हैं थोड़ी ठंड बच जाएगी, जैसे अभी नहीं कहा था कि जाल डाल दिया ठंड बचाने के लिए, तो उन्होंने भी जो है डंठल और ऊपर से इतने इतने ऊपर से डाल दिए। अब तो ऐसी स्थिति हो गई कि ठंड बचना तो मुश्किल, नीचे से भी ठंड से ऊपर से भी ठंड तो आ रही, और वो गड़ना और चुभना और शुरू हो गए वो डंठल, और अब पलट भी नहीं सकते, करवट भी नहीं ले सकते, इतना बोझा हो गया। सबेरे से सामायिक में कोई नहीं उठ पाया, सब पड़े पड़े ही सामायिक करते रहे, जब ऊपर उठाएंगे तब तो उठ पाएंगे, नहीं तो उठेंगे कैसे। ऐसी स्थिति बन जाने के बाद मन में कैसे परिणाम आते हैं ये विचार करने की बात है। उस समय खोटे परिणाम करके कर्म बांधना चाहो तो कर्म बांध लो, और अपने परिणामों में समता रख के कर्मों की निर्जरा करना चाहो तो निर्जरा का भी बहुत अच्छा उपाय है, उसी क्षण निर्जरा हो सकती। सो सुबह उठ करके जब सब भक्ति करने लगे तो मन तो ये हुआ कि श्रावकों से कुछ कहें, लेकिन आचार्य महाराज का चेहरा शांत था और मुस्कान भरी हुई थी, उसको देख करके चुप रह गए कि कुछ मत बोलो, आचार्य श्री तो इतने मुस्कुरा रहे, इतनी सारी मुश्किलों के बाद भी वो खुश हैं, अपन भी सीखो इनसे कुछ। और चले रास्ते में एक किलोमीटर चले और धूप निकल आई, अब वो धूप निकलने से जो स्क्रैचेस हुए थे उनमें जलन होना शुरू हो गई। आचार्य श्री का शरीर तो बहुत डेलिकेट है, उनकी स्किन तो बहुत सॉफ्ट है, उस पर तो स्क्रैचेस बिल्कुल रेड रेड दिखने लगे पूरे के पूरे, और लेकिन आचार्य श्री फिर भी प्रसन्न हैं और रस्ते में कहने लगे कि देखो कल जो है कैसा कर्मों की निर्जरा का अवसर आया था, समता परिणाम ऐसे समय पर ही तो रखना चाहिए जिससे कि कर्म कट जाते हैं। उनकी ऐसी बात सुनकर लगा कि कितनी सजगता है कर्मों को काटने के लिए। ऐसे ही एक उदाहरण एक साधु महाराज जी का भी आता है, बहुत पुराना, पुराणों में कहीं लिखा हुआ है कि महाराज जो है ध्यान में लीन थे जंगल में, और वहां पर एक ग्वाला अपनी गायें लेकर के गया, और उसने देखा गायें चरती रहीं बाबा जी के आसपास, साधु जी के आसपास। अब ग्वाले को भूख लगी तो उसने सोचा कि अपन भूख थोड़ा भोजन वोजन करके आ जाएं, ये बाबा जी तो यहाँ खड़े हुए हैं, ये देखते रहेंगे गायों को। तो बाबा जी से कह दिया कि बाबा जी हमारी गायें सब यहीं चर रही, आप देखते रहना, हम आते हैं अभी भोजन करके। अब बाबा जी गाय को देखें, वो तो अपने ध्यान में लीन है, तो वो गायें घूमते घूमते खाने के लिए और दूर जंगल में निकल गई। जब तक वो ग्वाला आया तो वहां एक भी गाय नहीं मिली। अब कहाँ गई बाबा जी गायें, कहाँ गई, सब यहाँ वहां घूमा, खूब परेशान हो गया, वापस लौट के आया, बताते क्यों नहीं हो, तुमने कहीं छुपा दी हैं शायद, जब हम भग जाएंगे तो लेके जाओगे ऐसा लगता है। अब उसको जो समझ में आया, जैसे समझ में, इतना सा काम नहीं कर पाए हम, तुम्हें सौंप के गए थे गायें, कहाँ चली गई सब। अब लेकिन इस तरह की बात करते करते, और उसको बहुत देर हो गई, अभी बताता हूं, तुम्हें सुनाई भी नहीं पड़ता, अभी तुम्हारे कान ठीक करे देता हूं, कान खोले देता हूं, और जा करके जो है और दो सलाइयां लेकर के आ गया, कीले कीले मोटे मोटे दो कीले लेके आया, कान तुम्हारे सुन नहीं रहे ना, तुम्हें सुनाई नहीं पड़ रहा हम क्या कह के गए थे, कहां चली गई हमारी गायें, बताते भी नहीं हो, अब जब सुनोगे तभी तो बोलोगे, तो तुम्हारे सुनने का इंतजाम कर देता हूं ताकि ठीक से सुन पाओ तो फिर बोलोगे, फिर अभी बोल भी नहीं रहे हो। और कहते हैं कि दोनों कानों में और वे कीले डाल करके और ठोकना शुरू कर दिया दोनों तरफ से। महाराज तो ध्यान में लीन है,
इतना करते हुए भी वे चुप रहे। गायें शाम होने से अपने आप वापिस लौटने लगीं, तो भी उसके मन में क्या आया ग्वाले के, अच्छा छुपा करके रख दी थीं, अब सबको बुला लिया, अभी भी तुम चालाक बहुत हो। और फिर ठोकने लगता है बार बार महाराज के दोनों कानों से और लहू लुहान हो जाते हैं। फिर भी वे ध्यान में और अधिक ध्यान में लीन हो गए और उनको उसी उपसर्ग के दौरान केवल ज्ञान भी हो गया। केवल ज्ञान होते ही साथ वो ग्वाला भी दंग रह गया। जब सबने कहा कि आपने कुछ कहा क्यों नहीं ग्वाले को, तो उन्होंने यही कहा कि यदि उस समय में ग्वाले को रोष कर लेता या कुछ बोलता तो कर्मों की निर्जरा थोड़ी होती, हिसाब चुकता थोड़ी होता, मुझे तो हिसाब चुकता करना था, इसलिए शांत रहा। भैया अपन किसी का भी लेन देन ले लेवे तो उसे चुकता करना ही पड़ता है। चुकता कैसे किया जाता, धैर्य पूर्वक और क्षमता पूर्वक किया जाता। ऐसे ही खोटे कर्म जो अज्ञानता से बंध गए उनको यदि हम निकालना चाहें तो यही उपाय है कि अपन समता रखें या कि शुभ परिणाम करें और निरंतर जो है ज्ञान और वैराग्य की शक्ति के द्वारा अपना उद्धार करें, जीवन अच्छा बनाएं, इसी भावना